हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए जो इंटर की बुक फ्लेमिंगो है उसका दूसरा चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और लॉस्ट स्प्रिंग जो कि अनीश जंग जी ने लिखा है, और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे गरीबी किसी बच्चे से उसका बचपन छीन सकती है, कैसे गरीबी के कारण कोई बच्चा अपने बचपन को जीने से छूट सकता है। तो पहले चैप्टर में जो कि जिसका नाम था सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, जो कि पहले टॉपिक का नाम था, जिसमें एक बच्चे को कचरा चुनने वाले बच्चे की जीवन को बचपन को दिखाया गया है। तो अनीश जंग जी ने इस दूसरे टॉपिक में जी जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसमें कि उन्होंने चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के बारे में बताया है। अब ये कहानी जो लिखी गई है ये कहानी फिरोज़ाबाद की लिखी हुई कहानी है। इसमें जो फिरोज़ाबाद है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर है, और ये कहानी वहीं की है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुझे कार चलाने की चाहत है। तो अब इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। मुकेश इंसिस्ट, मतलब मुकेश के नाम का एक बच्चा है जो चाहता है कि वो अपना खुद का मालिक हो जाए, अपना खुद के काम कर, ऐसा कोई काम करने के जिसका वो खुद मालिक हो जाए। और एक बार वो ही अनाउंस, वो उद्घोषणा करता है, मतलब घोषित करता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक जो बड़ी गाड़ी होती है उसका एक बनाने वाला बनूंगा, मतलब उस बड़ी गाड़ी में खराबियों को दूर करने वाला एक इंजीनियर या मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा। यानी कि मैंने यहाँ पे मैं शब्द इस्तेमाल किया है, लेखिका ने अपने लिए यानी राइटर ने अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कहा, लेखिका ने कहा कि उन्होंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में या बड़ी गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर, उस लड़के ने उत्तर दिया, यानी मुकेश ने उत्तर दिया कि मैं कार चलाना सीखूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज, माई आइज मतलब राइटर की आंखों में, लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज, वो लेखक की मतलब लेखिका की आंखों में, राइटर की आंखों में देखते हुए बहुत विश्वास से बोला कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम इन लूम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, मतलब हिज ड्रीम, उसके सपने, लूम्स लाइक ए मिराज मतलब एक मृग मरीचिका, जैसे आप लोग देखते हैं सुनते ही होंगे कि जैसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो थोड़ी दूर पे लगता है कि पानी है, तो वहाँ पे जब उस पानी का एहसास हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचो तो वहाँ लगता नहीं कि वहाँ पे पानी नहीं होता, उससे आगे दिखाई देता है पानी कि वो पानी आगे है, तो फिर दौड़ के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। तो यहाँ पे लेखिका कहती है कि इसका उसके सपने मृग मरीचिका के समान है, मृग मरीचिका कभी भी पूरी नहीं होती, मतलब ये लगता है आगे पानी है, इस तरह दौड़ते रहते हैं लेकिन उसके कभी भी पानी नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये लेखिका कहती है कि उस बच्चे का सपना एक मृग मरीचिका के समान है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि मतलब वो फिरोजाबाद की सड़कों पर धूल भरे लोगों के बीच में खो जाएगा। फिरोजाबाद क्या है, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो है अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक परिवार में, फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक लोग, एवरी अदर फैमिली प्रत्येक परिवार, प्रत्येक लोग फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के लिए लगे रहते हैं, उसमें चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लासेस ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स।
क्या है फिरोजाबाद के बारे में क्या बताया राइटर ने, सेंटर ऑफ इंडियाज ग्रास ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब ये भारत की जो कांच पिघलाने वाली कारखाने होते हैं, कांच के सामान बनाने वाले कारखाने होते हैं, फिरोजाबाद उस कारखानों में भारत का केंद्र है, वेयर जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे परिवार जो है अपनी पीढ़ियाँ, जनरेशंस का मतलब हुआ पीढ़ियाँ, जो अपनी पीढ़ियाँ बिता देते हैं, फर्नेसेस मतलब भट्टियों में काम करते हुए, बंद भट्टियों में काम करते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता देते हैं, वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए, मतलब जहाँ पे लोग अपने परिवार की पूरी पूरी पीढ़ी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी कई पीढ़ियाँ वहाँ पे लोगों की बंद भट्टियों में कांच को जोड़ते हुए चूड़ियाँ बनाते हुए बीत जाती है, फॉर ऑल द वुमेन्स इन द वर्ल्ड लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि वे सब लोग चूड़ियाँ इस धरती पर, इस धरा पर उपलब्ध सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बना, इतनी चूड़ियाँ वहाँ होती हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था, नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इनलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, मतलब उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि इट इज़ इनलीगल, ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, लाइक हिम उस तरी उसके तरीके के बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत अधिक तापमान में कांच की बंद भट्टियों में काम करने के लिए उसके जैसे बच्चों के लिए बहुत ही गलत है, बहुत ही अनैतिक है, ये चीज़ उनमें से किसी को नहीं पता थी। और भट्टियाँ कैसी होती थी, इंडिग्नी सेल्स, अंधेरे कमरे होते थे विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा भी नहीं होती थी, प्रकाश भी नहीं होता था, वैसे कमरे, अंधेरे कमरे में वो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि नियम को जो कानून है वहाँ पे लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, और वहाँ पे यदि नियम को लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चे आउट फ्रॉम द हॉट फर्नेस, उस गर्म भट्टी से बाहर आ जाएंगे, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो पूरे पूरे दिन दिन पूरे पूरे दिन कार्य करते रहते हैं, पूरे पूरे दिन कठिन परिश्रम और कार्य करते रहते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अधिकतर अक्सर इसी कारण से वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठते हैं, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें तब चमक सक उठती हैं जब तब चमक पड़ती हैं जब वो मुझे अपने घर ले जाता है, वे विच ही प्राउडली सेज, जहाँ पे वो गर्वपूर्वक कहता है, इज़ बींग रिबिल्ट, कि ये दोबारा बन रहा है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्स विद गार्बेज पास्ट होम्स एंड रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वोबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कॉन्सिस्टिंग्स प्रीमेबल स्टेट, मतलब वी वॉक डाउन, हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, स्टिंकिंग लेन्स मतलब दुर्गंध भरी हुई गलियों से, चोक्ड विद गार्बेज, जिसकी नालियाँ जो है कूड़े और कचरे के कारण बंद पड़ गई हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जब वो घर, जो घर हम लोगों के पास से गुजरता है, जिस घर को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, वे घर जो है गंदी बस्ती के रूप में बन गए हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी के रूप में रह गए हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें अब गिर रही हैं, मतलब मिट्टी की दीवारें अब धीरे धीरे करके मिट्टी उनमें से नीचे गिर रही है, वुबली डोर्स, और उनके दरवाजे ऐसे हैं जो अस्थिर रूप से हैं कि वो अब ये नहीं पता लगता कि कब वो टूटकर गिर जाएंगे, नो विंडोज कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉन्सिस्टिंग इन प्रिमिटिव स्टेट, और वो घर जो है आदमी और जानवर, उन घरों में आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं, पुरातन मतलब आदिवासियों की तरह, जैसे जानवरों और आदमी एक साथ एक ही गुफा में रहते थे, उसी प्रकार से वहाँ की गलियों में जो घर बने हुए हैं उन घरों में आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं आदिवासियों की तरह।
ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउसेस, वो इसी प्रकार के घर के दरवाजे के सामने रुक गया। बैंग्स ए वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से एक जर्जर पड़े हुए एक अस्थिर से दरवाजे पर, लोहे के दरवाजे पर ठोकर मारी। इट पुशेस इट ओपन, और इसे खोल दिया। वी इंटर्स हाफ बिल्ट शेक, शेक का मतलब हुआ झुग्गी, तो हम लोग एक आधी बनी हुई झुग्गी झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक भाग में थर्स्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर द ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, और जहाँ के मतलब उस झोपड़ी के उस झुग्गी के एक भाग में जो चूल्हा बना हुआ था, फायरवुड स्टोव का मतलब हुआ कि चूल्हा बना हुआ था, चूल्हे के ऊपर डेड ग्रास सूखी हुई घास रखी थी, और स्टोव ओवर विच सिट्स लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पालक के पत्ते पक रहे थे, और उन पत्तों के पकने की आवाज़ आ रही थी। सीजलिंग का मतलब किसी भी चीज़ के पकने की आवाज़, कोई भी चीज़ का जब छौंका लगाया जाता है तो उसमें से जो आवाज़ आती है, या कोई भोजन जब पकाया जाता है तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको सीजलिंग कहते हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर ए लार्ज एलुमिनियम प्लेटर, और ज़मीन के ऊपर एक बड़ा सा एलुमिनियम का प्लेट रखी थी, तश्तरी रखी हुई थी। एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और कई सारे प्रकार की सब्जियां कटी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग इन द इवनिंग मील, और एक कमज़ोर सी, फ्रेल का मतलब हुआ कमज़ोर सी, एक कमज़ोर सी युवती, यंग वुमेन मतलब युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो शाम का भोजन पका रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। मतलब उस जगह पर, उस चूल्हे पर एक कमज़ोर सी युवती बैठी हुई थी, कमज़ोर सी लड़की बैठी हुई थी, जो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उस यद्यपि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, मतलब उस यद्यपि उसकी आंखों में धुआं लग रहा था, उस चूल्हे से निकलता हुआ धुआं लग रहा था, सी स्माइल्स, वो फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर ब्रदर, जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और उससे, मुकेश से ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसे घर में बहू कह के बुलाया जाता था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू थी। ये बहू शब्द जो है यहाँ पे हिंदी शब्द है, और यहाँ पे इसका दिया गया है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, और वो तीन लोगों की देखभाल करती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, अपने पति और उसके छोटे भाई मुकेश, और उन दोनों की पिता की, यानी अपने ससुर की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई बड़ा, मतलब जब बड़े व्यक्ति जो उनके पति के पिताजी थे, मुकेश के पिताजी, जब घर के अंदर आए, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जल्दी से जाकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गई। एंड ब्रिंग्स हर वेल्स कवर टू हर फेस, और घूंघट अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट ले लिया। वेल्स का मतलब हुआ घूंघट, तो घूंघट अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट ले लिया। एज कस्टम्स डिमांड्स, मतलब जो परंपरा कहती है, डॉटर इन लॉ वेल्स मस्ट वेल्स देयर फेसेस बिफोर मस्ट मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं होती हैं वो अपने घर के बड़े पुरुष, जो बड़े पुरुष होते हैं उनके सामने घूंघट कर लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट बैंगल मेकर, चाहे इस केस की तरह कि उनका जो बड़ा पुरुष, जो बूढ़ा पुरुष था, वो क्यों ना एक गरीब चूड़ी बनाने वाला हो। इम्पोरिस्ट मतलब बहुत गरीब चूड़ी बनाने वाला क्यों ना हो, फिर भी ये परंपरा थी कि वहाँ घर में कोई अगर बड़ा पुरुष आ जाता है, उम्र से बड़ा पुरुष, तो वहाँ की बहुएं, उस घर की बहुएं अपने सर पर, अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर,
अपने लंबे समय के मतलब कई वर्षों के मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, देन ए बेंगल मेकर, पहले दर्जी के रूप में, देन ए बेंगल मेकर, और उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउसेस। वो अपने घर का जो रेनोवेशन होता है, जो मरम्मत होती है, वो अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाया था। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही वो अपने दो बच्चों को स्कूल भेज पाया था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू दिस टू डू इच टीच देम व्हाट ही नोज, और सब कुछ उसने वही उनको सिखाया था जो कुछ वो जानता था। क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़िया बनाने की कला जो उसे आती थी वही उन्होंने उनको सिखाया था। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, मतलब ये उसका कर्म है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा कि ये उनका कर्म है, कर्म मतलब भाग्य है, यही उनका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद हिज द डस्ट डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने ये देखा था कि उसके खुद के पति चूड़ियों की पॉलिश करते करते उसके डस्ट से अंधे हो गए थे, मतलब चूड़ियाँ जब कांच को जब रगड़ा जाता तो उसमें से थोड़ी सी डस्ट यानी थोड़ा सा चूड़ियों कांच के टुकड़े, महीन महीन कांच के टुकड़े टूट के उड़ते रहते हैं, तो वो कहा जाता है कांच के डस्ट होते हैं, तो कांच के डस्ट के कारण उनके पति भी अंधे हो गए थे, यानी मुकेश के दादाजी जो थे वो कांच के डस्ट के कारण अंधे हो गए थे। फिर भी वो कहती है कि यही उनका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, और ये जो कह रही हैं कि ये जो चूड़िया बनाने का जो कर्म है यानी जो भाग्य है हम लोगों का, ईश्वर ने दिया है और इसे हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। सी इम्प्लीस, उन्होंने इस बात को बहुत से कहा कि ये उनका भाग्य है और हम लोग जो ये भाग्य हमें मिला है, जो ईश्वर के द्वारा हमें भाग्य दिया है, चूड़िया बनाने वाला भाग्य जो दिया गया है चूड़िया बनाने वाले बनने के लिए, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम लोग चूड़िया बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों कहते कि और कुछ नहीं देखा है, इन हाउस चाहे वो घर में हो, इन यार्ड चाहे वो आंगन में हो, इन एवरी अदर हाउस या किसी अगल बगल के घर में हो, इन एवरी एवरी अदर यार्ड या किसी दूसरे के आंगन में भी हो, सिर्फ उन्होंने चूड़िया देखी हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में सिर्फ चूड़िया ही देखी है उन्होंने। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, ढेर सारी चूड़िया, बहुत अधिक चूड़िया, कैसी चूड़िया? सनी गोल्ड, मतलब सूर्य के समान की सुनहरी चूड़िया। पैडी ग्रीन्स, धान के समान हरी हरी चूड़िया। रॉयल ब्लू, नीली चूड़िया। पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और सारे मतलब इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी प्रकार के रंगों की चूड़िया। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, और वो एक ढेर के रूप में बिना किसी देख रेख के एक आंगन में, एक खुले मैदान में पड़ी रहती हैं। एंड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और चार पहियों वाले जो हाथ से चलाने वाला ठेला होता है उसके ऊपर ढेर के ढेर बना के रख दी जाती हैं। पुश्ड बाई ए यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेंस, और एक नवयुवक द्वारा उस ठेले को ले जाया जाता है, जो चार पहियों वाला ठेला होता है जिसके ऊपर वो चूड़िया ढेर के ढेर बना के रख दी जाती है। जैसे आप लोग ठेला वो समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग सब्जियां बेचने के लिए ठेला देखते हैं चार पहियों वाला, उसी प्रकार के चार पहियों के ठेले के ऊपर वो चूड़िया ढेर के ढेर रख दी जाती हैं, और एक युवक उनको ढकेलते हुए, धक्का देते हुए उन सकरी गलियों में लेकर जाता है ऑफ द सैंटी टाउन। उस सैंटी टाउन का मतलब हुआ उस गरीब बस्ती में लेकर एक आदमी धक्का देते हुए ले जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी छोटी झुग्गियों में, अंधेरी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, एक कतार से जो चिराग होते हैं तेल के चिराग वो जलते रहते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके सामने लड़के और लड़कियां बैठते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ उसके सामने लड़के और लड़कियां बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास
इंटू सर्कल्स ऑफ बेंगल, और रंग बिरंगे कांच के गोल गोल टुकड़ों को आपस में जोड़ते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट ऑफ लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंदर के अंधेरे की ज़्यादा अभ्यस्त होती हैं। मतलब उनकी आंखें जो होती वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं, उस चिराग की रोशनी में ही रहते हैं, इसीलिए उनकी आंखें जो हैं बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंदर अंधेरे में देखने की ज़्यादा अभ्यस्त होती हैं। दैट इज़ व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और यही कारण है कि उनके युवा होने से पहले ही, उनके एडल्ट होने पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन द इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, ए सविता एक छोटी लड़की इन द ड्रेप पिंक ड्रेस, मतलब एक घिसी पिटी सी गुलाबी रंग की कपड़े में, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमेन, वो एक बड़ी यानी बुजुर्ग औरत के बगल में बैठी हैं, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, उस कांच के टुकड़े को जोड़ रही हैं, हर एंड हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ जो हैं उस चिमटे की तरह, एक मतलब मशीनी चिमटे की तरह चल रहे हैं, यानी चिमटे की तरह वो अपने हाथों से चूड़िया उठाती है, तुरंत जोड़ती है, रख देती है। तो यहाँ लेखिका जब उस और लड़की को देखती है तो कहती हैं कि उस लड़की के दोनों हाथ जो हैं एक चिमटे की तरह फटाफट चूड़िया उठा के जोड़ते चले जा रहे हैं। आई वंडर इफ सी न्यूज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक इट मेक, मतलब मुझे ये आश्चर्य होता है कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जो वो बनाती है। इट सिंबल्स एन इंडियन वुमेन सुहाग आयुस्पेशियसनेस इन मैरिज, इट सिंबल्स एन इंडियन वुमेन सुहाग आयुस्पेशियसनेस इन मैरिज, और ये भारतीय औरतों के, भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी और सुहाग और सौभाग्य की निशानी होता है, शादी के सौभाग्य की निशानी होती है चूड़िया। मतलब ये बताती है, लेखिका कहती है, क्या उस लड़की को जो सविता नाम की लड़की, उस लड़की को ये पता है कि जो चूड़िया बना रही है वो भारतीय औरतों के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए कितनी पवित्र होती हैं, और ये चूड़िया क्या वो जानती है कि ये चूड़िया भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और उनके शादी के सौभाग्य की निशानी होती है। विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड्स इट ड्रैप्ड विद रेड वेल, और उसे उस दिन अचानक पता लगेगा, वो उसे अचानक एक दिन जान पाएगी जब उसके सिर को उस लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा, तब उस चूड़ियों की पवित्रता जान पाएगी। और क्या होगा, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंग से रंग दिए जाएंगे, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ओवर हर रिस्ट्स, और लाल लाल चूड़ियाँ उसके कलाइयों में पहना दी जाएंगी, तब उस चूड़ियों की पवित्रता और उसके सुहाग की मतलब को वो समझ पाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, और उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी है, जो कि कई वर्षों पहले ये दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों की कलाइयों में भी चूड़ियाँ हैं, लाल लाल चूड़ियाँ, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में अब चमक नहीं रहेगी, पहले वाली चमक अब नहीं रह गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, मतलब अपने आवाज़ में हताशा भर के, मतलब उसके आवाज़ में बहुत सारी हताशा थी, ये भर के मतलब हताशा के साथ उसने कहा कि एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। शेर भर का मतलब जैसे आप लोग आज तौलते हैं कोई से एक किलो दो किलो एक 250 ग्राम आधा किलो जिसे तौलते हैं, वैसे पुराने ज़माने में तौलना की इकाई थी शेर। तो वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया था, तो उसके कहने का मतलब हुआ कि एक वक्त बीत जाता है, एक ही वक्त मुझे भरपेट भोजन मिलता है। सी सेज
not enjoyed even the full meal in her entire lifetime. उसने कहा कि उसने पूरे ज़िंदगी में अपने कभी एक टाइम का पूरा भोजन आनंद नहीं उठाया, उसका एक टाइम का पूरा भोजन नहीं मिला. हैज दैट्स व्हाट सी हैड रीप्ड. तब क्या फ़ायदा हुआ, मतलब जब वो कहती है कि हमें मेरे इस काम करने का क्या फ़ायदा कि जब मुझे एक टाइम भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो मुझे इस काम को करने से क्या फ़ायदा. हर हस्बैंड उसके पति एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड और उसके पति जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है सेस कहते हैं आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स मुझे चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. ये जो जितना भी मैंने अभी तक चूड़ी बनाई मेहनत की उससे मैंने सिर्फ एक ही काम किया है मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैंने अपने परिवार के लिए घर बनाया है कि वो उसमें रह सके. हियरिंग हिम उन्हें सुनकर वन वंडर्स एक कोई आश्चर्य करेगा इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम कि वहाँ के लोगों को ये सुनकर उनके लिए ऊपर आश्चर्य होगा कि उन्होंने वो चीज़ पा ली कि जिनको वो अभी तक अपने जीवन में नहीं पा सके. व्हाट दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम वो अपने पूरे जीवन में उसको पाने में असफल रहे. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड उनके सर के ऊपर एक छत थी. ये सुनकर कि मतलब उन्होंने अपना घर पूरे लाइफ टाइम में काम करके उन्होंने अपने लिए घर बना लिया अपने परिवार के लिए तो वहाँ के लोग इस बात को सुनकर आश्चर्य करते हैं कि वो उन्होंने वो चीज़ प्राप्त कर ली जिनको वो अभी पूरे अपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए और वो थी उनके सर के ऊपर की छत. द क्राई ऑफ हैविंग नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट राइजिंग इन एवरी होम रिंग्स इन एवरी होम. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी पैसे नहीं है इस बात का रोना टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त कोई काम न जानना या कोई काम न करना नॉट इवन एनफ टू ईट पर्याप्त भोजन न होना रिंग्स एवरी होम मतलब प्रत्येक घर में इस चीज़ का बार बार रोना आपको सुनने को मिल जाएगा. फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में बार बार इस चीज़ का रोना सुनने को मिल जाएगा कि उनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है और उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है उनको. द यंग मैन इको द लामेंट ऑफ देयर एल्डर्स और जो नवयुवक है वहाँ के युवा पीढ़ी है जो बड़ी हो रही है वो भी अपने बड़ों की तरह ही इसी बात की बार बार शिकायत करते हैं. द यंग मैन इको बार बार द लामेंट मतलब संताप करते दुख व्यक्त करते फॉर ऑफ देयर एल्डर अपने बड़ों की तरह ही अपने बड़ों जैसे उनके बड़े शिकायत करते हैं कि भोजन नहीं है चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है. इसी तरह उनके जो आने वाली पीढ़ी होती है तैयार वो भी इसी बात की बार बार शिकायत करती लेकिन कोई दूसरा काम नहीं करते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम समय के साथ साथ सब में बदलाव आता है समय के साथ साथ धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आता है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद लेकिन फिरोजाबाद में समय के साथ कोई बदलाव नहीं आया. जो राइटर अनीश जंग जी वो कहती हैं समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है हर चीज़ अपने आप में इम्प्रूव होती है प्रोग्रेस करती है लेकिन फिरोजाबाद और वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोल माइंड नंबिंग मतलब दिमाग को थका देने वाला बोर कर देने वाला कार्य टोल मतलब कार्य हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड देयर एबिलिटी टू ड्रीम उनके सभी सपनों को सभी और कुछ कर रखने की कोशिश देख करने वाले सपनों को सभी को कुचल कर सभी को मार कर रख देता है. कौन मार कर रख देता है जो वो कार्य करते हैं वो इतना बोरिंग होता है इतना उबाऊ होता है इतना दिमाग को थका देने वाला होता है कि उस काम के कारण उनके सारे सपने सारे खुशियां सब मर जाती हैं. वाई
not organize yourself into cooperative. I asked a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Why not organize yourself into cooperative? तुम लोग एक स्वयं सहायता के समूह में इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? I asked a group of young men. मैंने एक यानी लेखिका ने एक युवकों के एक समूह से पूछा कि तुम लोग एक साथ अपने लिए स्वयं सहायता समूह क्यों नहीं बनाते? Who have fallen into vicious circle of middlemen? अब यहाँ पे middleman नाम का शब्द जो होगा ये साहूकारों के लिए होता है, सूदखोरों के लिए middleman नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे middleman का यूज़ इसलिए किया गया हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता और उनके पिता के भी पिता को अपने जाल में फंसा लिया था। कैसा जाल था? जैसे वो उनके पिता को या उनके पिता के पिता को कुछ पैसे उधार दे देते थे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज लगा देते थे, जिसके एवज में उनको चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना पड़ता था और उनकी पूरी लाइफ पूरा जिंदगी उनको उनकी पूरी ज़िंदगी उन पैसों को चुकाने में ही बीत जाती थी। तो ये उन मिडिल मैन का, ये उन साहूकारों का एक ट्रैप था, एक जाल था, जिसके जरिए वो लोगों को चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों से अलग नहीं करने देना अलग नहीं होने देना चाहते थे। तो जब ये लेखिका ने उन एक युवकों के ग्रुप से ये कहा कि तुम क्यों नहीं इकट्ठा होकर एक स्वयं सहायता समूह बना लेते, जो कि अभी अभी जल्द ही उनके जो साहूकारों के जाल में जाके फंसे थे, मतलब उन्होंने भी उनसे पैसे उधार ले लिए थे। इवन इफ वी ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग इन टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इनलीगल। दे से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इवन इफ वी ऑर्गेनाइज्ड, यद्यपि हम लोग इकट्ठा हो जाए, यद्यपि हम लोग एक हो जाएं, वी आर द वंस, लेकिन हम में से प्रत्येक को हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जो मतलब हम में से प्रत्येक को पुलिस घसीट कर खींच कर ले जाएगी, बीटन पीटेगी एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी गलती के किसी अपराध के इल्जाम में जेल में बंद कर देगी। ऐसा वहाँ की पुलिस इसलिए करती थी क्योंकि उसे वहाँ के नेताओं की और वहाँ के लीडरों की शह प्राप्त थी, और वहाँ के लीडर ये नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोग इकट्ठा होकर कुछ अन्य काम करें, वहाँ के लोग हमेशा चूड़िया ही बनाते रहे, हमेशा गरीब ही रहें। There is no leader among them. उनके बीच में कोई भी नेता नहीं था, यानी उनके बीच में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी अगुवाई कर सके, जो उनको अगुवाई करके उन लोगों को इकट्ठा कर सके। No one who could help them to see things differently. और कोई भी उनकी ये नहीं मदद करने को तैयार था कि वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सके, अलग रूप में देख सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मतलब शारीरिक रूप से थकना होता है, एक मानसिक रूप से थकना होता है। तो यहाँ पे टायर्ड, जो लेखिका ने इस टायर्ड शब्द का अर्थ मानसिक रूप से थकना लिख दिया है, तो उनके पिता भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि पूरे लाइफ टाइम उन्होंने वर्क किया था, हार्ड वर्क किया था, उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सके थे। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल that moves from poverty to an apathy, greed and to injustice. Their father asked, मतलब they talk endlessly in a spiral moves. अब spiral moves मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाले चक्र, वो बात करते थे कि वो एक अंतहीन कभी ना ख़त्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं। अब कैसा चक्र था? कि वो चक्र था गरीबी का, किसी पे ध्यान ना देने का चक्र, और लालच का और अन्याय का, इन सब चक्रों के बीच में वो फंस के रह गए थे। वो उसी में पिस जाते थे क्योंकि उनकी गरीबी ख़त्म नहीं होती थी, और गरीबी ख़त्म ना होने के कारण वो हमेशा अपने आप पर ही ध्यान देते थे, किसी और पर ध्यान नहीं दे सकते थे, किसी और के बारे में नहीं सोच सकते थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी, और गरीब होने के कारण वे लालची भी हो गए थे क्योंकि गरीब जो होते हैं वो लालची होते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता तो है नहीं, इसीलिए जो भी को देखते हैं सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। और
इसी कारण से उनके साथ अन्याय होता था। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। मैंने वन ऑफ द फैमिली कॉट इन टू ए वेब ऑफ पॉवर्टी। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। मैं उन लोगों की बातें सुनने के बाद मैंने सोचा, लेखिका ने सोचा कि दो अलग अलग संसार हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और अपनी जात में पैदा होने का बोझ लिए चल रहा है। मतलब जात में पैदा होने का बोझ, मतलब उनके ऊपर ये बोझ डाला गया कि आप चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा हुए तो आपको चूड़ियाँ ही बनाना पड़ेगा। द अदर इज वेसियस सर्किल ऑफ साहूकार, और दूसरा पर जो संसार है वो जो क्रूर सर्किल है ऑफ द साहूकार, मतलब साहूकारों का, पुलिसमैनों का, कीपर्स ऑफ लॉ मतलब नियम के रक्षकों का, जो कानून बनाते, कानून के रक्षक जो होते उनका, द ब्यूरोक्रेट्स सरकारी तंत्र का, एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का, मंत्रियों का। मतलब दूसरा जो परिवार है, मतलब यहाँ पे लेखिका कहती है, राइटर कहती है कि जब उन सब की बातें मैंने सुनी तो मेरे अनुमान से ये लगा कि दो संसार एक साथ चल रहे हैं। एक संसार ऐसा कि जिसमें लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और अपने ऊपर ये बोझ लाद के चल रहे हैं कि मैं चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में पैदा हुआ तो इसलिए मुझे चूड़ियाँ ही बनानी है, और दूसरा वे लोग जो साहूकार हैं, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो पुलिस वाले हैं, नियम बनाने वाले, सरकारी तंत्र और पॉलिटिशियंस, ये सारे मिलकर उनके ऊपर ये बोझ लाद कर उनके ऊपर बोझ लाद रहे हैं कि तुम चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में पैदा हुए इसलिए तुम्हें चूड़ियाँ ही बनाना है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वो दोनों मिलकर, दोनों प्रकार के संसार के लोग की मिलकर, जैसे कि जो एक संसार जो कि गरीबों का है, दूसरा संसार जो कि अमीरों का है, एक शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, एक संसार जो गरीबों का है, दूसरा संसार जो अमीरों का है, तो मतलब ये गरीब और अमीर संसार के दोनों लोग मिलकर छोटे बच्चों के ऊपर ऑन द बैग इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, छोटे बच्चों के ऊपर वो बोझ डाल देते हैं कि वो तुम्हें चूड़ियाँ ही बनानी, क्योंकि तुम्हारे पिता चूड़ियाँ बनाते हैं, यही बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं कि वो कुछ सोचने समझने लायक रह ही नहीं जाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो जानकार हो, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली द एज हिज फादर, तो जब तक वो जानकार होते हैं तब तक उनके ऊपर इतना बोझ लाद दिया जाता है, इतना कह दिया जाता है कि तुम चूड़ियाँ बनाते हो तो चूड़ियाँ ही बनाओगे, उनको भी अपने पिता की तरह प्राकृतिक रूप से इस बात को वे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमें चूड़ियाँ ही बनानी है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अलग करना साहस का है, मतलब लोग कहते हैं कि ये कुछ अलग कर रहा है, इसके अंदर बहुत साहस है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस यानी हिम्मत उनके बड़े होने का अंग नहीं है। आई सेंस ए फ्लैश इन इट मुकेश, आई एम चीयर्ड, और जब मुझे जान के मैं समझती हूँ लेखक कहती, जब मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि मुकेश के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश है तो मुझे खुशी होती। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मकैनिक, ही रिपीट्स, वो दोहराता है कि मुझे मोटर मकैनिक ही बनना है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, और वो इसके लिए गैरेज जाने को भी तैयार है और सीखने को भी तैयार है। बट गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है, जो यहाँ पे मोटर मैकेनिक मोटर बनाई जाती है, वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं वहाँ तक पैदल चल के जाऊँगा। वो उसके लिए भी तैयार है कि वो मोटर बनना मैकेनिक बनने के लिए गैरेज तक पैदल चल के भी जा सकता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही सडनली साइलेंट, मतलब लेखिका जब उससे पूछती क्या तुमने कभी एरोप्लेन उड़ाने के बारे में भी सपने देखे हैं, ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है, नो नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट ग्राउंड, वो जमीन को घूरते हुए, जमीन को तरफ ताकते हुए उत्तर देता, नहीं जमीन नीचे की तरफ देखते हुए उत्तर देता, नहीं।
जब लेखिका उससे ये पूछती है कि क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में भी सपने देखे हैं, तब वो जमीन की तरफ देखते हुए, यानी मुकेश जमीन की तरफ देखते हुए उत्तर देता है, नहीं। हिज स्मॉल मर्मर, देयर इज एन एम्बैरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इंटू रेग्रेट। और उसकी जो छोटी सी ना थी, छोटी सी बुदबुदाहट थी, उसमें उसकी शर्मिंदगी छिपी हुई थी, क्योंकि उसे प्लेन के बारे में तो कुछ पता नहीं था, तो उसके ना में उसकी एक शर्मिंदगी छुपी हुई थी, और उसकी शर्मिंदगी उसके पश्चाताप पर थी कि मुझे प्लेन के बारे में नहीं पता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसकी जो सपना था वो संतुष्ट था कि वो कारों के बारे में सपना देख रहा है। एंड दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिस्ट ही इज कंटेंट और टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिस्ट टाउन। और वो सब कार के बारे में ही सपना देखकर संतुष्ट हो जाता था, और उसके सपना और उसका जो सोच थी वो कारों के आसपास ही घूमती रहती थी। क्यों घूमती रहती थी? फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, क्योंकि कुछ ही प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन तो अब ख़त्म हुआ, तो आशा है इस लेसन को आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा, और साथ साथ ये भी देखा होगा कि लेखिका ने किस प्रकार से गरीबी में बचपन के खो जाने का कितना अच्छा, कितना ही सुंदर वर्णन किया है। और उम्मीद है इस लेसन को आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको इस ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा, यदि आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया है और आपने इस लेसन से कुछ भी सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।